नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो PF से जो है पैसा कैसे निकालेंगे, और आप अपने ही मोबाइल से घर पर भी पैसा निकाल सकते हैं। साइबर कैफे पर जाएंगे तो आपका कुछ पैसा लगेगा, तो पूरे प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कैसे पैसा निकालना है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलो समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक पर बात करता हूँ, PF से पैसा कैसे निकालें। टॉपिक है ये हमारा, PF राशि किसी भी जो है कर्मचारी के जो है लिए एक जो रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमा राशि होती है, रिटायरमेंट के बाद काम आती है। लेकिन अगर हमें बीच में ही जरूरत पड़ जाती है तो हम उसे निकालना जरूरी समझते हैं और निकाल लेते हैं अपने निजी कामों के लिए। जैसे वह रिटायरमेंट के बाद एक मुक्त या पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कहीं काम कर रहे हैं और हमें पैसे की ज़रूरत है और हम PF अपना निकाल लेते हैं, पेंशन का जो पैसा होता है वो हमें काम छोड़ने के बाद ही मिलता है। किसी भी कर्मचारी के PF अकाउंट में हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक निश्चित रकम जमा की जाती है और कंपनी की जो इस रकम के बराबर योगदान भी दिया देती है, कंपनी भी देती है। इस तरह कर्मचारी की जो सैलरी से कटी जो राशि होती है वह दुगनी रकम जो कर्मचारी के अकाउंट में जो PF के खाते में जमा हो जाती है। PF अकाउंट में जमा जो रकम पर जो सरकार 8.15% का जो ब्याज दर का ऑफर देती है, कभी 8.15 हो जाता है, कभी 25, तो ये ब्याज दर घटती बढ़ती रहती है। कर्मचारी को यह रकम जो है रिटायरमेंट के बाद मिल सकती है, लेकिन कई बार जो है इमरजेंसी की वजह से रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारी PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, वो भी ऑप्शन होते हैं उसके हिसाब से जो है पैसा निकाल सकता है। रिटायरमेंट से जो पहले आप PF अकाउंट से जो पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। PF से जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो है व्यक्ति ऑनलाइन ही पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में वर्कर्स को छुट्टी करनी पड़ती है एम्प्लॉय को, तो समय भी बचता है इसमें ऑनलाइन में। आप PF की जो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से PF से दावे के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा PF ऑफलाइन जो है क्लेम कर सकते हैं, आप EPFO ऑफिस जाना होगा। जानकारी के मुताबिक PF क्लेम के 20 दिन के अंदर क्लेम की रकम आवेदन जो है आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से PF क्लेम की जानकारी हमने आपको बताई है, और अब हम आपको विड्रॉल प्रोसेस भी बताएंगे आपको कैसे करना है। PF विड्रॉल ऑनलाइन मोबाइल से आप कैसे करना है। ऑनलाइन PF जो निकासी के लिए आपको PF की जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब आपको होम पेज पर आपको जो है UN नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको अपनी जो है अकाउंट जिसे पासबुक बोलते हैं वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने पर जो है मोबाइल नंबर दर्ज करके सत्यापन करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालकर अपनी पहचान कन्फर्म करनी होगी, अपनी जो पहचान है वो कन्फर्म करनी है। आपके बैंक खाते में जानकारी जो है कन्फर्म कर और आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब आपको जो है PF क्लेम के जो विकल्प को दिखाई देगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लेम पर विकल्प पर क्लिक करके आप उसको चुनेंगे अकाउंट को, इसी तरह से आप आसानी से जो है इसमें PF के खाते में जो है क्लेम कर सकते हैं। आप जो है ऊपर दी जो हमने आपको सूचना बताई है उसके माध्यम से आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से जो है PF का दावा कर सकते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं ऑफलाइन आपको पैसा कैसे निकालना है, PF का पैसा कैसे निकालेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको पैसे के लिए जो आपको EPFO ऑफिस जाना होगा। EPFO ऑफिस जाने के बाद जो आप वहां से कर्मचारी से जो है कंपोजिट जो है क्लेम फार्म लेना होगा। इसके बाद जो है आपको जो है इस क्लेम फार्म में जो पूछी गई जो जानकारी है वो आपको ध्यान से दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद जो आवेदन पत्र में मांगे गए जो कागज हैं वो लगा देने हैं। इसके बाद आपको जो है क्लेम में जो है फॉर्म को जमा कर देना है। PF का पैसा कैसे निकालेंगे ऑफलाइन, ये हमने अब आपको बताया है।
और इसमें जो है जानकारी ध्यान से भर देनी है। जानकारी के बाद आवेदन पत्र को जो है इसके बाद जो है ऑफिस में जो है इस क्लेम के फॉर्म को जमा कर देना है, आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा। इसी तरह से आपको ईपीएफ ऑफिस में जाकर आसानी से इस क्लेम फॉर्म को जो है जमा कर देना है। और अगर आप मोबाइल के फोन की मदद से ईपीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो अब जो है उमंग ऐप की मदद से भी क्लेम कर सकते हैं। उमंग ऐप से की सहायता से भी आप क्लेम कर सकते हैं। उमंग ऐप से भी पैसा निकल रहा है, तो पैसे निकालने के बाद जो आप अपने उसको निजी कार्य में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको क्लेम दिखा सकते हैं कैसे करना है आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।